हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पर साइक्लोन का लाइव हम डेमो दिखाने वाले हैं, कहाँ पर अभी फिलहाल है। और अभी यार बहुत बारिश पड़ रहा है, इसके ऊपर आप ध्यान ही मत दो, क्योंकि आपको शायद इस माइक के अंदर भी बारिश का आवाज़ आ रहा होगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को कहता हूँ ये इग्नोर कर दो। दोस्तों यहाँ पर देखो, साइक्लोन शुरू कहाँ से हुआ था, साइक्लोन शुरू हुआ था यहाँ पर, इसका स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आप ये कलर देख रहे हैं, 4 है बहुत ही हैवी साइक्लोन, 3 है बहुत ही हैवी के थोड़ा नीचे, और दोस्तों 2 जो है यहाँ पर आप कलर देख रहे हैं, मतलब ये ऑरेंज टाइप का कलर और येलो टाइप का मिक्सर जो यहाँ पर इसके अंदर जो है बहुत ही कम है। और दोस्तों नंबर 1 जो है यहाँ पर आपको येलो कलर दिख रहे हैं, ये भी जो है बहुत ही कमज़ोर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हैवी है। और दोस्तों यहाँ पर जो ग्रीन दिख रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल है। अभी हम बताते हैं कि आसाम के अंदर क्या साइक्लोन का हैवी इफेक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हुए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के नीचे जाके वो लाइक वाला बटन दबा दीजिए। यार कोई भी एक कमेंट है तो जरूर कर देना, आप लोग जरूर कमेंट करना, बिल्कुल जरूरी है आप लोगों के लिए। और दोस्तों कल ना मेरे चैनल पे गिव अवे आने वाला है मी बैंड 3 का, जो आप में से किसी एक बंदे को मिल जाएंगे मी बैंड 3, जिसका कीमत 2000 रुपये, और आप लोगों में से किसी एक को मिलेंगे बिल्कुल फ्री। कल वो वीडियो मैं कभी भी अपलोड कर सकता हूँ, शाम के पहले 3-4 बजे वो वीडियो मैं अपलोड कर सकता हूँ इस चैनल पर ही, तो वो आप फ्री में पा सकते हैं। और दोस्तों बता दूँ, ये साइक्लोन शुरू हुआ है इस लोकेशन से, ये थोड़ा मैप ऊपर जा, इस लोकेशन से शुरू हुआ, बारिश का नॉइज़ सोरो उसको, तो ये देखो इस लोकेशन से ये शुरू हुआ, होते होते दोस्तों यहाँ पर ये येलो हो गया, मतलब इसका पावर देखो, कुदरत का नज़ारा देखो कितना ज़्यादा पावर आया इसके अंदर। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर आया है, यहाँ पर ये ऑरेंज टाइप का जो कलर है ये आया, उसके बाद ये थोड़ा रेड रेड कलर आया, तो यहाँ पर रेड रेड मतलब इसके अंदर भी थोड़ा ताकत था, लेकिन इस ताकत के अंदर जो यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हो रहा था, सिर्फ समंदर के बीच में ये था लहर, समंदर का लहर जो है बहुत ही ज़्यादा ऊपर ऊपर उठ रहा था। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अभी देखो आप यहाँ पर पूरा रेड है, मतलब ये जगह जो है बहुत ही हैवी पर है। और अभी दोस्तों साइक्लोन जो है, आप ये येलो कलर देख रहे हो ना, फिलहाल इस जगह पे ये साइक्लोन है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल इस जगह पे है, लेकिन ये साइक्लोन जो 1 है, मतलब इसके अंदर उतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। पहले जब मैं ये सुबह ये ट्रैकिंग देख रहा था, तब जो ये जो है पूरा आसाम के अंदर आ चुका था, गुवाहाटी पार कर चुका था सुबह। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी हुआ क्या, ये आसाम को टच तो कर रहे हैं, लेकिन आसाम के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है इस मैप के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, आप अगर ये देखोगे तो अभी साइक्लोन यहाँ पर है, लेकिन इस साइक्लोन यहाँ पर होने के बावजूद जो है कोलकाता में, अभी मैंने खबर लिया, मेरा एक दोस्त रहता है वहाँ पर, और एक दोस्त ने मेरे को कॉमेंट भी किया था थोड़ी टाइम पहले, वो बता रहे हैं कि कोलकाता में ज़बरदस्त बारिश चल रही है, लेकिन यहाँ पर साइक्लोन नहीं आया अभी तक। लेकिन कोलकाता में अभी मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर 5:30 को यहाँ पर सैटरडे, यहाँ पर जो है 5:30 को यहाँ पर शायद आपको दिखने को मिल जाए, लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूँ ना फिर से। यहाँ पर देखो आसाम के, देखो हम बात करते हैं, मेन बात करते हैं आसाम के टॉपिक पर, हम बात कर रही है, वीडियो आसाम के लिए बनाया गया है, आसाम के लोगों के लिए, तो मैं उनको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो आप अगर आसाम पे रहते हो, तो आप अगर नेहर आसाम के अंदर रहते हो, मतलब एसएमएस में चलता है नामुनी अखम बुली, नामुनी आसाम जो है यहाँ पर, इसके अंदर थोड़ा बहुत इफेक्ट आ सकता है, मतलब हल्का सा हवा, कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, और आप जो पहले है ये मैप के थ्रू जो इसका जो स्पीड था 180 तक कोलकाता तक अभी दिखाई दे रहा था, लेकिन इसका जो स्पीड बहुत कम हो चुका है, और ये आसाम के अंदर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर होते हुए बांग्लादेश में जब जाएंगे, बांग्लादेश जाते जाते जो इसका स्पीड और भी कम हो जाए, क्योंकि इंडिया से, इंडिया तो है ही, लेकिन अभी जो यहाँ पर से कोलकाता होकर यहाँ पर थोड़ा गैप है देखिए बांग्लादेश का, इस बांग्लादेश वाली गैप में जब आएंगे तो इसका जो स्पीड और कम हो जाएंगे, क्योंकि इस बांग्लादेश ये खुला जगह नहीं है उतना, लेकिन इसके अंदर आके इसका थोड़ा स्पीड कम हो जाएंगे, आसाम पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखने को मिलेंगे। अगर आसाम के अंदर इफेक्ट दिखने को भी मिल भी जाए, तो कल ये शायद कल दोपहर को शायद या सुबह को जो है यहाँ पर आपको आसाम के अंदर इफेक्ट दिखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करते, क्योंकि वीडियो को अपलोड करने में फिर टाइम लगेंगे, इंटरनेट स्पीड स्लो है, मेरे मोबाइल तो पावर बैंक से 81% चार्ज करवा के रखा है। दोस्तों आप अगर आसाम के हो तो जरूर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, आप अगर आउट ऑफ आसाम हो फिर भी हमारे इस चैनल पर जो टेक्नोलॉजी के बारे में नया नया वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। और दोस्तों और एक बात मैं आपको बता दूँ, आप अगर ना दोस्तों इसको ट्रैकिंग करना चाहते हो, तो शायद मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूँ, फिर भी दोस्तों हमारे चैनल पर देखो यार 2 या 3 नंबर लिखा है, उस वीडियो के अंदर लिखा है पबजी हैक बोल के, तो उस हैक के उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो एक लिंक है, उस लिंक के अंदर क्लिक करके जो सीधा आप इस वाला पेज पे जाके आप खुद देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।